जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने 18 नवंबर को सीवान एसपी से मुलाकात कर जिले में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने नौतन थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर को स्वर्ण व्यवसायी मनोज वर्मा की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक लूट की संपत्ति बरामद न होना राज्य सरकार के लिए शर्मनाक है। विधायक ने कहा कि जिले में लूट, हत्या, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए तत्काल हथियार का लाइसेंस जारी करने की मांग की और नौतन बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने गुठनी थाना के बरपलिया गांव में चंदन कुशवाहा की हत्या, एमएम कॉलोनी में पत्रकार नदीम अहमद के घर हुई चोरी और जिले के अन्य स्थानों पर लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने चंदन कुशवाहा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने मांग की कि चंदन कुशवाहा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नौतन की लूट की संपत्ति को बरामद किया जाए और जिले में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आम जनता से 24 नवंबर को नौतन में आयोजित होने वाली विशाल जन प्रतिवाद सभा को सफल बनाने की अपील की। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर, आज आप लोग एसपी साहब से मुलाकात की, हालांकि एमएम कॉलोनी में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है, क्या कुछ बातें हैं? देखिए, केवल एमएम कॉलोनी का मामला नहीं है, आज पूरे सिवान जिला के अंतर्गत लगातार अपराध की घटनाएं घट रही हैं और उस घटनाओं में एमएम कॉलोनी में तो जो हुआ सो हुआ ही, उससे पहले पिछले दीपावली के दो चार दिन पहले 20 अक्टूबर को नौतन बाज़ार में, नौतन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर मनोज वर्मा एक स्वर्ण व्यवसायी हैं, इनके दुकान में घुस करके और तमंचा लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूट लिया। एक बजे दिन में घटनाएं हुई, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। उस घटना में एसपी साहब भी पहुंचे हुए थे सुन करके, और उस ये हिसाब से अगर देखिए तो पूरे ज़िले में चोरी की घटनाएं में बाढ़ आ गई है। मोटरसाइकिल चोरी हो या घर में घुस करके गैंगवार चोरी हो रहा हो, ये भी हो रहा है, हत्याएँ हो रही है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, उन पर बहुत मामूली कार्रवाइयाँ हो रही है। व्यवसायी मनोज वर्मा का अभी जो हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, पुलिस दिखाई कि इतना सारा चीज़ बरामद हुआ, इनका कहना है कि महज 5% से भी कम है, बाकी संपत्ति कहाँ गायब कर दिया। अगर सही चोर पकड़ा गया तो संपत्ति बरामद होना चाहिए, और नहीं तो चोर पर भी, अपराधी पर भी शंका हो रहा है। तो इस तरह की पूरी घटनाएँ घटते जा रही है और इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ज़िले में क्राइम जो बढ़ा है, इस पर रोक लगे और जहाँ जहाँ ये चोरी की घटनाएँ, अपराध की घटनाएँ हुई हैं, वो संपत्ति जो लूटी गई है वो बरामद हो, पुलिस चौकी का नौतन में निर्माण हो, क्योंकि थाना शिफ्ट हो रहा है, और व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस मिले। इन सब मांग को लेकर के जहाँ चोरी हुआ एमएम कॉलोनी में, वहाँ भी उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, और जो लगातार अपराध, जैसे कभी गुठनी में, बरपलिया में देखे कि आप दिन किस तरह से शाम को जो है अपने माँ को लेकर घर लौट रहे थे, घर गांव पहुँचते ही उनको गोली मार दिया गया, इस तरह की हत्याएं हुई। तो ये लगातार बढ़ा है, अपराधी डर नहीं रहे हैं। इस सरकार में सरकार का इकबाल भी फेल है और प्रशासन का इकबाल फेल है। आज इसी संदर्भ में हम एसपी साहब से मिलने आए थे, इन्होंने आश्वासन भी दिया और विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने नोट किया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को ठीक से और जांच करेंगे। तो जो हमारा काम था हम लोगों ने किया, हमारे साथ मनोज जी भी आए थे जो जिनकी नौतन में लूट हुई, नदीम बाबू भी आए थे जिनके घर में लूट हुई, तो ये सब लोग आए थे और भी बहुत सारे रिपोर्ट हमारे पास है, तो हम सब पर बातचीत किए हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया है, अब देखिए कार्रवाई क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा। धन्यवाद। अच्छा, आप ही की दुकान में लूट हुई थी जी? कितना की संपत्ति लूट हुई थी? 40 लाख से ऊपर की संपत्ति लूट हुई है। चोर बरामद किए गए हैं? बरामद हुए हैं, हाँ, 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन माल जो है मात्र 50,000 से ऊपर का नहीं पकड़ा गया। अच्छा, विधायक जी से मुलाकात हुई है, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? कहा कि हम कर रहे हैं कार्रवाई।
कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय थाना ने मदद किया था आपको उस वक्त? नहीं, घटना होने के बाद वो लोग आए। घटना होने के बाद जी, क्या आप चाहते हैं एसपी साहब? हमारा माल रिकवर हो जाए, हमारी सुरक्षा दी जाए, हमें हथियार का लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार, आज विधायक जी के साथ, हालांकि कल कई से चोर पकड़े गए थे एमएम कॉलोनी में भी, आज ये बात हुआ, क्या मामला है बताएं? जी जी, जो 30 तारीख को हमारे घर में चोरी हुई थी, जी जी। उसी मामले में हम लोगों ने विधायक जी के साथ हम लोग गए थे, तो एसपी साहब से बात हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं। और बाकी जो जो चीज़ें हैं, जिस तरह का घटना घटी है, आए दिन एमएम कॉलोनी में चोरी होते रहता है, उन तमाम चीज़ों को हमने एसपी साहब से बताया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे मेरा मतलब हम ध्यान देंगे और आगे से इस तरह का घटना ना घटे, उन्होंने आश्वासन दिया है। बात हुई है? जी 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 जी।